टाकली टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये रही दोस्तों मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। तो फाइनली जो है दोस्तों अब इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं और सारे जो है जिस हिसाब से जो है लोगों ने वेरिएंट्स इसके बुक करवाए हैं वो डीलरशिप पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं इसका डेल्टा वेरिएंट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट रहने वाला है। और इसकी एक्स शोरूम में बताऊं आपको तो इसकी एक्स शोरूम है अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो इसकी एक्स शोरूम जो 11,90,000 आपको देखने को मिलेगी, वहीं अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो 13,40,000 रुपये का ये ऑटोमेटिक में आपको एक्स शोरूम में कॉस्ट करता है। तो फटाफट से अब बात करते हैं, ये चेस्टनट ब्राउन कलर देख रहे हैं आप जो कि काफ़ी एक तरीके से प्यारा लग रहा है। और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट अच्छी खासी जो है आपको विड्थ इसमें मिल जाती है और एक तरीके से कह सकते हैं ना ये जो राइवल रहने वाली है क्रेटा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सेल्टोस टाइगोन जैसी गाड़ियों के लिए जो है एक राइवल रहेगी ये मारुति सुजुकी की ओर से। सबसे पहले फ्रंट की बात करी जाए तो फ्रंट की अच्छी खासी आपको डायमेंशन मिल जाती है, 1795 mm की डायमेंशन रहती है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 200+ mm का इसमें मिल जाता है। तो फ्रंट से स्टार्ट करें तो आपको जो है यहाँ पर DRLs मिल जाती हैं। लाइटिंग सेटअप की बात करें ये हेलोजन में प्रोजेक्टर दिए जाते हैं, एक बार मैं इसे जला के दिखाता हूँ आपको फिर आपको जो है इसका पता लगेगा कि लाइटिंग सेटअप अगर आप जो है यहाँ पर जाते हैं डेल्टा की ओर तो डेल्टा में कुछ ऐसे आपको जो है यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर का काम करेंगे। साथ ही साथ जैसे नीचे देखते हैं आप तो ये यहाँ पे ये रहते हैं प्रोजेक्टर रहते हैं इसके हैलोजन में यहाँ पर जो है प्लेस किए गए हैं। और साथ ही साथ बीच में आपको क्रोम की आपको प्रॉपर काफ़ी वाइड वाइड से आपको स्ट्रिप देखने को मिलेंगी तो फ्रंट का लुक काफ़ी प्रीमियम सा लगता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सेकंड बेस वेरिएंट जो है अभी आपके जो है सामने यहाँ पर खड़ा है। और नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी सी है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जाके जो है ये एंड होती है। तो फ्रंट की प्रोफाइल कुछ ऐसी रहती है जो है ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की। तो मतलब जो चीज़ें दी रखी है ना ये चीज़ आपको जो है सिग्मा से ही मिलेंगे, आपको DRLs इस तरीके से एज अ इंडिकेटर का भी काम करेंगे, नीचे जो है प्रोजेक्टर यहाँ पर जो रहते हैं यहाँ पर एज अ हेलोजन में डेल्टा और जो है सिग्मा नीचे के दो बेस वेरिएंट में आपको ये लाइटिंग सेटअप दे दिया जाता है। और साइड से आप बात करें तो साइड में आपको जो है यहाँ पर URBN से साइड टर्न इंडिकेटर इसमें मिलेगा। अब जरा इसे बंद करके बाकी चीज़ों की जो है हम बात करते हैं तो इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। अभी इंटीरियर की भी बात करेंगे, इंटीरियर में भी यहाँ पे कई सारे फीचर्स इसमें दिख रहे हैं तो देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। साइड प्रोफाइल की ओर चलते हैं, अब फ्रंट की प्रोफाइल अब जो है काफ़ी सही लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपके सामने कोई सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा है यहाँ पर। और सबसे जो है मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट जो है इसमें आपको ये क्रोम मिलने वाली है जो कि एक तरीके से यहाँ से काफ़ी वाइड सी है। और बीच में जो ग्रिल है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलने वाली जो कि ये भी काफ़ी प्यारी सी लग रही है। अच्छा खासा जो है आपको इसमें स्पेसिंग मिल जाएगी जिससे कि अंदर जो है हवा अच्छे खासे जो है रेडिएटर में जो है यहाँ से जा सके। अब जो है साइड प्रोफाइल की और बात करें हम दोस्तों, साइड प्रोफाइल से आप देखते हैं तो अच्छी खासी जो है इसकी आपको लेंथ मिल जाती है, 4345 mm की ओवरऑल इसकी लेंथ रहती है। तो मतलब क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों से लेंथ में काफ़ी अच्छी खासी जो है बड़ी है। हाइट की बात करें तो हाइट जो इसकी मिलेगी आपको 1645 mm, थोड़ा हाइट में आपको जो है एक तरीके से छोटी मिलेगी लेकिन लेंथ अच्छी खासी मिल जाती है। व्हील बेस की बात करी जाए तो व्हील बेस इसमें आपको जो है 2600 mm का मिल जाता है तो जिससे कि आपको इंटीरियर में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, अभी अंदर जाके चेक करेंगे हम। और इसमें जो है आपको स्टील रिम मिलते हैं, अगर आप देखें व्हील कैप का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है, एलॉय व्हील्स आपको जो है जेटा से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। और साइज़ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो साइज रहता है यहाँ पर टायर का वो रहता है 215/60R17 17 इंच के जो है यहाँ पे स्टील रिम मिलने हैं ब्लैक कलर के। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 215/60 प्रोफाइल मिल रही है टायर की। फ्रंट में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स रहेंगी और रियर में भी जो है आपको इसमें यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं एज अ स्टैंडर्ड, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब आपको इसमें जो डिस्क ब्रेक्स दी हैं एज अ स्टैंडर्ड दे दी गई हैं आगे और पीछे। और यहाँ पर जो है URBMs जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल रहेगा, ड्राइवर साइड से आप इसे जो है ऑपरेट जो है ड्राइवर साइड से जो है कर पाएंगे। और रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ओर दिया गया है, मतलब सेकेंड बेस से ही मतलब कीलेस एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो इस तरीके से ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे। ऊपर आपको जो है इसमें रूफ रेल्स नहीं मिलती है और यहाँ पर जो इसका बी पिलर है ये ब्लैक आउट मिलेगा, ये भी आपको ब्लैक मिलता है। थोड़ा ग्रे फिनिश यहाँ पर दे दी गई है जो कि काफ़ी प्यारी सी लग रही है। 45 लीटर की यहाँ पर पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे आपको इसमें
ग्रैंड विटारा में मिल जाएगी। और पीछे से आप देखें तो आपको जो है शार्क फिन एंटीना इसमें एज अ बेस वेरिएंट से ही मिलता है। यहाँ देखें आपको स्पॉइलर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आपको मिलेगी और साथ ही इसमें जो है डिफॉगर भी आपको दिया गया है। तो मतलब डिफॉगर आपको जो है यहाँ पर डेल्टा में मिल जाता है, लेकिन वाइपर यहाँ पर नहीं है ना वॉशर यूनिट रहेगी। और पीछे जो है टेल लैंप्स बहुत प्यारी लगती है यहाँ पे एलईडी में एज अ कनेक्टेड, बीच में जो है यहाँ पर ये सुजुकी का लोगो मर्ज हो जाता है, फिर यहाँ से एकदम कनेक्टेड टाइप आपको यहाँ पर टेल लैम्प लगती है। ग्रैंड विटारा आपको बीच में लिखा हुआ मिलेगा। और जो है रियर की जो यहाँ पर रिवर्स लैम्प होती हैं उनकी प्लेसमेंट एज अ वर्टिकल शेप में करी गई है। ये रिफ्लेक्टर रहेगा, ये इंडिकेटर रहेगा, ये बीच में लैम्प रहती है, तो काफ़ी प्यारा लगता है रियर का भी लुक अगर आप देखें। और बीच में यहाँ पर जो है यहाँ पर चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर रहेगा और दो बीच में रहते हैं और एक आपको साइड में यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। तो रिवर्स में भी आपको जो है यहाँ पर जो है रिवर्स स्किड प्लेट यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से, जिससे कि क्या है आपको एक काफ़ी स्पोर्टी सा आपको जो है रियर का डिज़ाइन मिलने वाला है। और पीछे भी आपको जो है यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो मतलब मेरे ख्याल से डेल्टा वेरिएंट मेरे ख्याल से सारा के सारा जो है फीचर लोडेड होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मेरे को तो सारी मतलब ज़रूरी नहीं है आप जो है एलॉय व्हील्स की ओर जाएँ, स्टील लिम भी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, तो इस हिसाब से तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब फटाफट से जो है बूट स्पेस की बात करी जाए, बूट स्पेस जो है आप यहाँ से जो है इसे ओपन जो है यहाँ से कर पाएंगे। लैंप भी आपके लिए जो है यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट जो लगेगी उसके लिए लैंप प्रॉपर दी गई है और मैग्नेटिक बटन दे दिया गया है। यहाँ भी वही आप जो है यहाँ पर एक आपको जो है मिलेगा आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सेंसर, और साथ ही साथ ये रहता है 373 लीटर का इसका बूट स्पेस। और बूट स्पेस में आपको जो है यहाँ पे पार्शल ट्रे भी मिल रही है। तो पार्शल ट्रे बहुत बार देखा गया है कि सेकंड बेस में नहीं मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं ना ऐसी जिसमें कि इसमें सेकंड बेस में नहीं रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं। 373 लीटर का बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस है। अगर यहाँ बात करें यहाँ आप नीचे जो है स्पेयर व्हील मिलेगा आपको वही R17 का अपोलो के टायर के साथ में। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर के लिए जो है एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और 12 वोल्ट का, और ये लैंप रहती है यहाँ पर, इसे जो है ऑन ऑफ यहाँ से आप जो है इजीली जब आप बूट के अंदर एक्सेस करेंगे तो आराम से जो है इसे जला सकते हैं। तो अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर 373 लीटर का मिल रहा है। स्मार्ट हाइब्रिड की आपको जो है बैजिंग मिल जाएगी। तो डेल्टा वेरिएंट में आपको पीछे डिफॉगर मिल जा रहा है, कैमरा भी मिल जा रहा है आपको, रियर स्किड प्लेट मिल रही है, पीछे का डिज़ाइन काफ़ी सही लगा। और इस बार जो है ग्रैंड विटारा वाकई में जो है कह सकते हैं तुरुप का इक्का शायद जो है साबित होगी अपने सेगमेंट में, और क्रेटा सेल्टोस जैसे जो है गाड़ियों के वाकई में जो है ये पसीने जो है छुटाने वाली है। और फ्रंट से तो वाकई में इसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा सा लगता है। कलर ऑप्शन जो है आपको डेल्टा में इसके अलावा और 3 से 4 कलर इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों अब इंजन की बात करते हैं, इंजन सेक्शन की, तो इंजन जो है आपको वही जो मैंने बताया इसमें जो डेल्टा में आता है माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन आता है, जो कि आप ब्रेजा अर्टिगा और जो है XS6 में देख चुके हैं। तो ये जो है माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है यहाँ पर 103 BHP की 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, तो ऐसा कुछ रहेगा। और जिसमें माइलेज रहता है मैनुअल में जो है इसमें 20 से 21 किलोमीटर का जो है इसमें क्लेम करा जा रहा है। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं जो कि इनका जेटा प्लस और अल्फा प्लस में है, उसमें काफ़ी अच्छी 27.97 किलोमीटर की जो है माइलेज क्लेम करी जा रही है, लेकिन उसकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा रहेगी। तो आप इसकी ओर जाना चाहते हैं अगर इतना मतलब ज़्यादा रनिंग नहीं है और थोड़ा लग्जरी आपको जो है एक बड़ी सी जो है मिड साइज की जो है आपको SUV चाहिए जिसमें कि थोड़ा लग्जरी आपको जो है फीचर्स भी मिले, तो आपको इसमें सारा कुछ जो है डेल्टा वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ जो इसका पूरा इंजन केबिन रहता है, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर आपको पूरा इंसुलेशन यहाँ पर दी गई है और काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा आपको जो है इसमें थोड़ा भारी सा आपको ये फ्रंट का बोनट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपको जो है इसकी कुछ ऐसी मिलती है जैसे कि नेक्सा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक का इसमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप जो है लॉक अनलॉक इससे कर सकते हैं और ये इसमें साउंड भी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हार्ड आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक, लेकिन ब्राउन टेक्सचर में है और ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बो मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से। और चारों पावर विंडो रहती हैं और ड्राइवर साइड आपको एंटी पिंच के साथ में ये आपको यहाँ पर मिलती है। चाबी यहाँ पर रखते हैं, फटाफट से फिर बात करते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल ही रहा है अगर आप देखें तो, ये रहती है इसकी ऑटो डाउन ऑटो अप एंटी पिंच के साथ में आती है ड्राइवर साइड विंडो। और इलेक्ट्रिकली जो है फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको जो है URBMs मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो है आपको बॉटल होल्डर मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा और ऑटोमेटिक AC जो है मिल रहा है काफ़ी जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से भर्राटेदार।
तो अब चलते हैं फटाफट से इंटीरियर में और बात करते हैं। और ड्राइवर सीट आपको जो है हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल रही है, अगर आप देखें हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल रही है। बाकी यहाँ पर इसकी पीछे रिक्लाइन पोजीशन आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सीटें जो है फैब्रिक में ही रहने वाली हैं, ब्राउन टेक्सचर और ब्लैक टेक्सचर में रहेंगी और काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीटें मिल जाती हैं। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट मिल रहा है। अब ज़रा पीछे करते हैं फिर बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट की जो है आप जो है यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसे सेट कर सकते हैं हेडलाइट। और साथ ही साथ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वो भी क्रोम की जो है फिनिश के साथ में, काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है। अब ज़रा इंटीरियर में बैठते हैं। तो अब हम बैठ चुके हैं इसके इंटीरियर में। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर रहता है। अगर आप देखें यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग नहीं है, ये एकदम राउंड स्टेयरिंग है, कोई भी रैप नहीं मिलेगा इसमें आपको। और यहाँ पर जो है इसकी 7 इंच की स्क्रीन के यहाँ पर जो है कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर जो है फोन पिक और जो है आप ड्रॉप का और साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है। और बाकी यहाँ पर रहता है ये क्रूज़ कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल आपको डेल्टा से ही इसमें मिल जा रहा है। अब ज़रा एडजस्टमेंट चेक करें तो एडजस्टमेंट ये बहुत सही एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से यहाँ पर इसमें दी गई है। और यहाँ पर जो है मीटर कंसोल जो आप देखें, ये इसका जो है आपको आरपीएम मीटर और जो है स्पीडोमीटर जो है ऐसा आपको जो है एनालॉग मिलेगा। और बीच में यहाँ पे टेम्परेचर का, इसमें जो है फ्यूल का दिया गया है, ये भी एनालॉग। बीच में जो है आपको जो है MID मिल जाती है कलरफुल वाली। तो इसमें पूरा जो है जो माइल्ड हाइब्रिड में है ये अभी, तो यहाँ पर जो है आपको ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है। आपको मोटर, बैटरी, इंजन, ये सारा कुछ जो है आपको सारा कुछ जो है आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ट्रिप पे ट्रिप भी जो भी आप सेट करना चाहें। अब सेंटर में अगर आप बात करें तो सेंटर में आपको जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी जो है आपको ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, जो इसमें जो है आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो है इसमें आपको टोटल जो स्पीकर हैं, स्पीकर का जो सेटअप है वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है। टोटल जो है 4 स्पीकर मिल जाएंगे आपको इसमें। स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो है ये, जिसमें कि आप जो है यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ ही साथ जो है आप स्मार्टफोन नेविगेशन, ये सारे जो है कुछ आप जो है इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बैक कैमरे की भी क्वालिटी एक बार जो है आपको दिखाई जाए तो ऐसा कुछ जो है बैक कैमरे की क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। ये ग्लॉसी में दी गई है, ऐसा नहीं किया गया है कि इसे मैट में रखा गया है। तो आपको एक मतलब ये आपको काफ़ी मोटे आपको बेजल्स मिलेंगे, लेकिन स्क्रीन बीच में आपको 7 इंच की मिलती है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं यहाँ पे AC के जो है स्टॉक्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बीच में हैजार्ड का जो है आपको स्विच दिया गया है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है आपको। ऑटो AC है ये। और यहाँ पर जो है ये मिलता है ESP का ऑन ऑफ करने का और जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो है यहाँ पर दिया गया है। 2 कंट्रोल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। और फिर ये रहता है इनका ये USB का आपको दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का 120 वाट का जो है चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। टॉप एंड वेरिएंट में इसमें वायरलेस चार्जर आता है, तो यहाँ पे आप जो है कुछ अपना सामान रख सकते हैं और चाबी भी रख सकते हैं। और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इस तरीके से आपको स्लाइडिंग वाला जो है आर्मरेस्ट इसमें दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर अगर आप चलते हैं तो ऊपर आपको डे नाइट IRVM मिल रहा है और यहाँ पे जो है आपको लैंप मिल जाएंगी, 2 कैबिन लैंप। और यहाँ पे आपको जो है सन वाइजर पे आपको वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर वाले पे, और ड्राइवर वाले पे आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। तो ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर आपको ग्रैब हैंडल इस तरीके से दिया जाता है। तो मतलब इंटीरियर में जो है डेल्टा में सारा कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो चाहिए चीज़ वो मिसिंग है, आपको सारा कुछ दे दिया जा रहा है। ये आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल रही है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में ऑटोमेटिक AC मिल जा रहा है आपको। साथ ही साथ जो है आपको बैक कैमरा मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बैक कैमरा गायब कर दिया गया हो। डैशबोर्ड का पूरा व्यू कुछ ऐसा रहने वाला है, ये थोड़ा ग्लॉसी ग्रे फिनिश में, ये थोड़ा ब्राउन फिनिश में रहेगा और ऊपर थोड़ा जो है यहाँ पर ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर मिलने वाला है डैशबोर्ड। पीछे अगर आप देखें नीचे अगर आप यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स का साइज कुछ बेसिक सा आपको मिलेगा। तो अब इसे जो है बंद करके एक बार पीछे का स्पेस चेक करते हैं, पीछे कौन कौन से फीचर्स हैं। ये वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है और अब ज़रा पीछे चलें। तो दोस्तों ये डेल्टा वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड जो है इंजन के साथ में आता है, जो कि आप ब्रेजा, अर्टिगा और XL6 में देख चुके हैं इंजन, वही वाले इंजन में आएगा। अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहेंगे तो आपको जो है जेटा प्लस और अल्फा प्लस में जाना पड़ेगा, वो थोड़े ज़्यादा महंगे रहेंगे। साइड पैनल की बात करूँ, ये आपको वही हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा और साथ ही साथ ये यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है और यहाँ आपको क्रोम की फिनिश आपको
इस तरीके से सिल्वर साटन फिनिश भी मिलेगी, जो कि काफ़ी प्यारी सी लग रही है। यहाँ से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वही बॉटल होल्डर ये सारा कुछ मिलेगा, स्पीकर और स्पीकर की ग्रिल्स भी मिलेंगी इसमें। और यहाँ से अगर जो है स्पेस चेक करेंगे अभी हम, सबसे पहले यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों जगह दिए गए हैं और बीच में भी दिया गया है, ये बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। और ये बीच में भी आर्मरेस्ट यहाँ पर दे दिया है, तो मतलब इस बार मारुति ने बहुत ही कमाल कर दिया है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भर भर के दे दी हैं। बीच में जो है यहाँ पर कप होल्डर्स भी इसमें रहने वाले हैं। अब ज़रा इंटीरियर में यहाँ पर बैठ के देखें तो जो 2600 mm का जो है व्हील बेस है वो बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पर कंफर्ट और स्पेस देने वाला है। चाहे अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, नी रूम की बात करूँ, अच्छा खासा मिलेगा इसमें। ये अभी जो है रिक्लाइन पोजीशन थोड़ा जो है पीछे को है, उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। और 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई हैं, तो मतलब सेफ्टी का भी जो है यहाँ पर जितना ध्यान रखा जाए वो सारा कुछ यहाँ पे रखा गया है। रियर एसी वेंट भी आपको इसमें मिल जाएंगे और 2 यहाँ पर जो है चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं यूएसबी और टाइप सी का। तो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और स्पेसिंग भी नीचे दी गई है जो है अपना फ़ोन रखने के लिए, तो प्रॉपर आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट की जो है सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट। लैंप ऊपर आपको मिल जाएगी एज आ हेलोजन में, इस तरीके से आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं साइड बाय साइड, तो आप ये देख सकते हैं। फ्रंट का डैशबोर्ड का व्यू कुछ ऐसा रहता है ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट का। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से डेल्टा अगर आप लेते हैं तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं यहाँ पर जो है सिग्मा वेरिएंट का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा वेरिएंट भी आपको उनको जो है उनको बहुत वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो दोस्तों ये था ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट, जो कि 11,90,000 रुपये की एक्स शोरूम पे जो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो फीचर्स मेरे हिसाब से जो देने चाहिए वो सारे कुछ जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं, सारा कुछ आपको मिलेगा। फ्रंट में लाइटिंग सेटअप पूरा आपको DRS के साथ में ऊपर दिया गया है, बैक कैमरा डिफॉगर के साथ में मिलेगा, स्ट्रीट लैंप मिल जा रहे हैं आपको 17 इंच के। तो ऐसा नहीं है कि एलॉय अगर ज़रूरत हो तो वो आप जो है लगवा सकते हैं, बाकी स्ट्रीट लैंप भी काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल रहते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की, तो आपको पसंद आए, अगर कोई भी सजेशन हो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।